तो वर्ल्ड कप 2023 के लीग मैच अब आखिरी स्टेज पर है। अब बारी है नॉकआउट मुकाबलों की, यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले की। अब यह तय हो चुका है कि 15 नवंबर को भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। ये दोनों ही टीम पहले सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी। जी हाँ, 15 नवंबर 2023 वेडनेसडे को इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जो भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होने वाला है। तो एक तरीके से पिछला वर्ल्ड कप रिपीट हो रहा है। इससे पहले वर्ल्ड कप 2019 में भी भारतीय टीम पहले स्थान पर था और न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर था, और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम को काफी बुरी हार मिली थी। न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को हराकर वर्ल्ड कप 2019 से बाहर कर दिया था। तो 4 साल के बाद एक बार फिर से भारत को मौका मिला है ना सिर्फ न्यूजीलैंड को हराने का, बल्कि न्यूजीलैंड को नॉकआउट मैच में हराकर अपनी जगह वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में बनाने का। अब ये एक नॉकआउट मुकाबला है, एक छोटी सी गलती आपको वर्ल्ड कप 2023 से बाहर कर देगा, जीत का सपना सपना रह जाएगा। अगर जीते तो फाइनल में पहुंचेंगे, हारे तो बोरिया बिस्तर बांधकर न्यूजीलैंड की टीम को न्यूजीलैंड जाना पड़ेगा। अगर भारतीय टीम हारी तो फिर बोरिया बिस्तर बांधकर अपने अपने घर जाना पड़ेगा। और ये ना भूलें कि इस वक्त मोमेंटम फिलहाल तो भारतीय टीम के पास है। टीम इंडिया शानदार फॉर्म में चल रही है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ये टीम आपको हर बार आईसीसी के इवेंट से नॉकआउट मुकाबलों में हर बार भारतीय टीम को हरा देती है। इससे पहले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी इवेंट्स में नॉकआउट मैचेस में, यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल में 3 बार ये दोनों ही टीम आमने सामने हुई हैं। और हैरान करने वाले आंकड़े यही कि तीन के तीनों ही बार न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को बुरी तरह से हराया है नॉकआउट मुकाबलों में। अब न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो नॉकआउट मैचेस में हर बार भारतीय टीम को सरप्राइज करती है, तो इस बार भारतीय टीम को इस टीम से तो चौकन्ना रहना पड़ेगा। वैसे आज 11 नवंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का भी मुकाबला खेला जाना है। अगर पाकिस्तान इस मैच में इंग्लैंड की टीम को 287 रन के अंतर से हरा देती है, तो फिर न्यूजीलैंड की जगह पाकिस्तान होगा भारत के सामने वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मैच में। लेकिन आपको पता है कि यह असंभव है, तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का यह एक विदाई मैच है। वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो का ऑफिशियल स्पॉन्सर स्टार 11 ऐप, जहां पर आप बड़े ही आसानी से टीम बनाकर खेल सकते हैं और काफी जीत सकते हैं। दूसरे फैंटेसी ऐप में आप अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल सकते, लेकिन इस ऐप में आप अपने फ्रेंड्स के भी साथ खेल सकते हैं। जब आप अपनी टीम बनाओगे तो आप लीडर रहोगे, और अगर आप अपनी टीम अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं, और अगर आपके फ्रेंड्स आपकी टीम देखकर आसपास या फिर अलग टीम बनाते हैं, तो फिर आप चाहे जीतो या फिर हारो तब भी आपको पैसे मिलेंगे। इस ऐप की खास बात यह है कि आप किसी भी फ्रेंड से या फिर किसी से आप बैटल कर सकते हैं, और अगर आप जीते तो आपको विनिंग प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको पूरे ग्रुप्स का भी पैसा मिल जाएगा। तो स्टार 11 ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, बनाइए अपनी टीम और जीतिए खूब सारे प्राइज। अब पढ़ते हैं वीडियो की ओर। न्यूजीलैंड के लिए एक हैरान करने वाला आंकड़ा ये भी है कि न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी के इवेंट्स नॉकआउट मैचेस में, यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल मैच में भारत के अलावा अलग टीमों से 18 मैचेस खेली है ये टीम, और 18 में से इस टीम को मात्र 4 ही नॉकआउट मैच में जीत मिली है। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के खिलाफ इस टीम ने 3 मैचेस खेले नॉकआउट के आईसीसी के इवेंट्स में, यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल में, और 3 के 3 ही बार इस टीम ने भारतीय टीम को हराया। तो पता नहीं क्या दुश्मनी है न्यूजीलैंड की भारत से। वैसे इस बार भारत की टीम अलग है, भारत की टीम का माहौल अलग है। जहां पहले भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी बल्लेबाजी हुआ करती थी, अब भारतीय बल्लेबाजों के साथ साथ भारतीय गेंदबाज भी आग उगल रहे हैं। अगर आप बुमराह से बचोगे तो फिर सिराज ले जाएगा, अगर आप सिराज से बचोगे तो फिर समी उड़ा जाएगा, अगर आप समी से बचोगे तो फिर कुलदीप आ जाएगा, और अगर आप कुलदीप से बच गए तो जडेजा आपको कच्चा चबा जाएगा। वैसे ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम को होम एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ मुंबई का यह विकेट काफी अच्छा है। आपको पता है कि भारतीय बल्लेबाज किस तरह से शानदार गजब के फॉर्म में चलते हैं, इस वर्ल्ड कप में तूफान मचा रहे हैं।